हेलो स्टूडेंट्स, तो एक और चैप्टर के एमसीक्यूज हम आपके लिए लेकर आए हैं। चैप्टर का नाम है मेजरमेंट। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, केल्विन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू, सीजीएस सिस्टम स्टैंड फॉर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, क्योंकि सीजीएस की फुल फॉर्म होती है सेंटीमीटर, ग्राम और एस फॉर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर थ्री, एमकेएस सिस्टम स्टैंड फॉर। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स सही आंसर है बी, एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकेंड। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फोर, तो क्वेश्चन नंबर फोर, द सिस्टम ऑफ यूनिट्स विच इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड फॉर मेजरमेंट इज कॉल्ड एज। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, एसआई सिस्टम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव है, इन एसआई सिस्टम ल्यूमिनियस इंटेंसिटी इज मेजर्ड। तो एसआई सिस्टम में ल्यूमिनियस इंटेंसिटी को किस, उसका यूनिट क्या है, उसको किससे मेजर करते हैं? तो इसका सही आंसर है सी, कैंडेला। नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर सिक्स, वन फर्मी इक्वल टू। तो स्टूडेंट्स वन फर्मी इक्वल होता है 10^-15 के स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, 10^-15 मीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन, वन एंगस्ट्रॉम्स इक्वल टू। तो वन एंगस्ट्रॉम्स इक्वल टू होता है 10^-10 मीटर के स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, 10^-10 मीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर एट, तो डायमेंशन दिया हुआ है ये m^1, l^1, t^-2, 11-2 आर डायमेंशन ऑफ। तो ये डायमेंशन है 11-2 फोर्स का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, फोर्स। अब क्वेश्चन नंबर नाइन स्टूडेंट्स, द यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज। तो प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट है js जूल सेकेंड। तो इसका सही आंसर है सी, 9 का सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 10, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज यूनिट ऑफ। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट होता है एनर्जी का। तो इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज यूज्ड टू मेजर साउंड इन वाटर। तो साउंड को मेजर करने के लिए वाटर में साउंड को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं हम? तो इसका सही आंसर है बी, हाइड्रोमीटर का हम लोग यूज करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो इनमें से कौन फिजिकल क्वांटिटी नहीं है स्टूडेंट्स? तो डेंसिटी फिजिकल क्वांटिटी है, एनर्जी फिजिकल क्वांटिटी है और इम्पल्स भी फिजिकल क्वांटिटी, किलोग्राम एक यूनिट है। तो इसका सही आंसर है ए, किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 13, विच इज द एसआई यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इन द फॉलोइंग। तो सॉलिड एंगल का एसआई यूनिट क्या है? इसका सही आंसर है बी, स्टेरेडियन। क्वेश्चन नंबर 14 स्टूडेंट्स, विच इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया। तो एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला है, इसका सही आंसर है ए, m0 l^2 t0। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ। तो लाइट ईयर यूनिट है डिस्टेंस की स्टूडेंट्स, लाइट ईयर से डिस्टेंस नापी जाती है, लार्ज यूनिट है ये डिस्टेंस के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वेश्चन नंबर 16 है, इंटेंसिटी अर्थक्वेक शॉक्स मेजर्ड बाय। तो इसका सही आंसर है सिस्मोग्राफ, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को सिस्मोग्राफ से मेजर किया जाता है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 17,
एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज, तो पावर ऑफ लेंस की एसआई यूनिट होती है स्टूडेंट डायोप्टर, इसका सही आंसर होगा बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, 5 माइक्रो कूलम्स इक्वल टू, तो 5 माइक्रो कूलम तो इक्वल होता है 5×10⁻⁶ कूलम के, तो इसका सही आंसर है ए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 19, एसआई यूनिट ऑफ डेप्थ ऑफ सी इज, तो डेप्थ ऑफ सी की एसआई यूनिट है स्टूडेंट्स फैदम, यानी मतलब इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 20, एसआई यूनिट ऑफ इंपल्स इज, तो इंपल्स की एसआई यूनिट है स्टूडेंट्स न्यूटन सेकंड, तो इसका सही आंसर है ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, गॉज इज द यूनिट ऑफ, तो गॉज यूनिट है, तो गॉज किसकी यूनिट है, तो उसका सही आंसर है डी मैग्नेटिक इंडक्शन, तो गॉज जो है मैग्नेटिक इंडक्शन की यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 22, 1 pF इज इक्वल टू, तो 1 pF इक्वल होता है 10⁻¹² F के, तो इसका सही आंसर है ए। 1 pF इक्वल टू 10⁻¹² F। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, टॉर इज द यूनिट ऑफ, तो टॉर यूनिट है, तो टॉर यूनिट है प्रेशर का स्टूडेंट्स, तो इसका सही आंसर है ए प्रेशर। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, द सिंबल यूज्ड फॉर एंगस्ट्रॉम इज, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, ए बनाएंगे उस पे नॉट लगाएंगे ऊपर, तो ये होता है एंगस्ट्रॉम का सिंबल, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 स्टूडेंट्स, तो ऐसा यूनिट वर इंट्रोड्यूस्ड इन, तो ऐसा यूनिट किस साल में इंट्रोड्यूस्ड हुई, तो इसका सही आंसर है 1960 ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन इज कॉल्ड, तो इसमें इस क्वेश्चन का सही आंसर है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, अर्थ और सन के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, द नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी इज सिचुएटेड एट, तो नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी जो है वो न्यू दिल्ली में है, तो इसका सही आंसर है बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, 1 light year इज इक्वल टू, तो 1 light year इक्वल होता है 9.46×10⁻¹⁵ मीटर के, तो इसका सही आंसर है बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, 1 parsec इज इक्वल टू, तो 1 parsec इक्वल होता है 3.26 light year के, तो इसका सही आंसर है बी। नाउ क्वेश्चन नंबर एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, एंगस्ट्रॉम इज द यूनिट टू एक्सप्रेस, तो एंगस्ट्रॉम यूनिट है लेंथ का, मास का, टाइम का, नॉन ऑफ दिस, इसका सही आंसर है एंगस्ट्रॉम में लेंथ नापी जाती है, बहुत छोटा यूनिट है ये, तो इसका सही आंसर है ए। तो ये थे मेजरमेंट चैप्टर से हमारे एमसीक्यूज, ठीक है, और नेक्स्ट एमसीक्यूज हम लाएंगे मोशन चैप्टर से, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके मुझे जरूर बताएं, और इन क्वेश्चंस को आप तैयार करें एनयू एंट्रेंस एग्जाम के लिए। थैंक यू वेरी मच।